Good morning, everybody. You are welcome in online class. बच्चों, आज क्लास सेवन का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट शुरू कर रहा हूं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू. तो देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट. क्या पोषण, न्यूट्रिशन क्या हुआ था? पोषण. कैसे न्यूट्रिशन? व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स. अब प्लांट पोषण कैसे करेगा अपना? हम लोग तो प्लांट प्रोडक्ट को खाकर अपना पोषण तो करते हैं. दे प्रोवाइड सो मेनी न्यूट्रिएंट्स. लेकिन कभी आपने सोचा कि प्लांट न्यूट्रिशन कैसे करता है? पहले प्लांट का न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करोगे भाई? अगर हम प्लांट्स के न्यूट्रिशन को डिफाइन करने की बात करते हैं तो आप कैसे डिफाइन करोगे न्यूट्रिशन को? तो न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करेंगे न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड यूटिलाइजेशन फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट रिपेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन. भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल, इनका फूड क्या है? इनका फूड तो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ना, आपको पता है ना. इनका भोजन क्या है, रॉ मटेरियल क्या है भाई? CO2 है, H2O है, ढेर सारे मिनरल्स हैं, यही तो इनका भोजन है. ये इनका ये न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं. किसके लिए भाई? तो ग्रोथ डेवलपमेंट रिपेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन के लिए. तो आइए हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या है. हम किसके न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं भाई? फॉर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं. तो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को हम लोग दो भाग में बांटेंगे. पहला क्या कहलाएगा? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन एलिमेंट्स आएंगे सर? तो ये आएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ये सारे सब एलिमेंट्स आएंगे. इनको किस नाम से हम लोग पुकारेंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. और दूसरा क्या है सर? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें हमारा जो नाम आएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ये क्या है सर? बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं. जिंक, कॉपर, आयरन, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सारे कहलाएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. और आपको जानना चाहिए मैक्सिमम दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय द सॉइल. आप जान रहे हो ये मुख्य रूप से सॉइल से प्राप्त होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. और जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो ये आपको कहां से मिलेंगे सर? कभी आपने सोचा है ना? ग्रीन सैंड, केल्प हो गया, फिर आपको हो गया वर्मी कंपोस्ट, इन सारे एलिमेंट्स के ये सोर्सेज हैं. तो आपने देखा जब मैं इनके सोर्स की बात कर रहा था कि कहां से ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो मैंने क्या कहा?
मोस्टली जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका सोर्स क्या है सर? सॉइल। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जनरली सो क्या बताया मैंने? ग्रीन सैंड। किसका नाम लिया? ग्रीन सैंड। दूसरा नाम लिया केल्प। तीसरा नाम लिया वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट दिस प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। और इस तरह से स्पेसिफाइड लैंडस्केप में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को प्रोवाइड। इसलिए देख रहे हो आप अलग अलग प्लांटेशन जो है कुछ खास प्लांट जो है किसी खास एरिया से संबंधित होते हैं। वो क्यों भाई? वो बस ड्यू टू दीज न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि सब जगह की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का जो वैरायटी है वो डिफरेंट होता है। आइए अब तो प्लांट एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन करेगा इन न्यूट्रिएंट्स का, फोटोसिंथेसिस करेगा और ढेर सारा फूड तैयार करेगा। किसके लिए भाई? किसके लिए? हेटरोट्रॉप्स के लिए। अरे भाई ग्रीन प्लांट तो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं ना। और वो जो फूड तैयार करते हैं किसके लिए? हेटरोट्रॉप्स के लिए। तो ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है भाई? अगर हम फूड की बात करें तो फूड का कंपोनेंट्स हमारा किस रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं? तो हम लोग ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन। ठीक है सर। और हमको साथ में मिल जाता है रफेज। तो इन सारे चीजों के लिए हमें प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं। आइए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हम बात करते हैं, अभी आपने कहा ना व्हाट इज न्यूट्रिशन, हमने कहा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या केमिकल कंपाउंड्स एंड यूटिलाइजेशन फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट रिपेयरिंग रिप्रोडक्शन। तो ये तो क्या न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को दो भाग में बांटा गया है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आएंगे, सारे ग्रीन प्लांट्स आएंगे। और दूसरा कौन आएगा? ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी। देखिए ये दोनों जुड़े हुए हैं आपके ऑटोट्रॉप से, लेकिन हेटरोट्रॉप्स और ग्रीन प्लांट को छोड़ दो तो रेस्ट ऑफ जो जीव हैं जो प्लांट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं उनको आप क्या कहते हो? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम इसका तीन वैरायटी पढ़ने का काम करेंगे। पहला क्या है? सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक क्या है? जो ग्रो करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। कहाँ ग्रो करते हैं भाई? ग्रोज ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर जो सड़े गले पदार्थों पे ग्रो करने का काम करते हैं। इसमें कौन आएगा? नाम किनका आएगा भाई? इसमें आएगा फंगस और बैक्टीरिया। फंगस और बैक्टीरिया, इसको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। अब पैरासाइट्स की बात करो तो पैरासाइट्स का क्या नेचर है? जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट होता है और केवल डिपेंडेंट ही नहीं होता, हार्म भी पहुंचाने का काम करता है। जैसे अगर पैरासाइट्स की बात करें हम, तो आप बात करो ना प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट है। प्लांट पैरासाइट की बात करो खसकुटा, है ना। और होलोजोइक न्यूट्रिशन, वैसा जीव जिनका सॉलिड फूड इंटेक है। सॉलिड फूड इंटेक, वैसा जीव जिनका भोजन सॉलिड फॉर्म में हो, ठोस रूप में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे सर? होलोजोइक न्यूट्रिशन में कैटेगराइज करने का काम करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ,
और ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, जो अपना खुद का न्यूट्रिशन करे उसी का नाम पड़ेगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसमें कौन आएंगे सारे, फिर मैं दोहरा रहा हूं, इसमें कौन आएंगे सारे ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, और कौन आएंगे ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, तो आपने देखा हमने ऑटोट्रॉपिक का क्या क्या, तो ऑटो मींस क्या हुआ सर सेल्फ, और ट्रॉपिक मींस न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ऑन फूड विद सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। याद रखिएगा इसका रॉ मटेरियल किस रूप में है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, जैसे वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। और किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऐसे वो क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आइए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, फोटोसिंथेसिस, और दूसरा है कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर ग्रीन प्लांट जो है वातावरण से CO2, और वाटर कहाँ लेता है, पानी कहाँ से लेता है, मिट्टी से, फ्रॉम रूट्स, ये पानी को एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। और हमें क्या मिलता है भोजन में, ग्लूकोज, और रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। फिर से एक बार देख लीजिए, ये CO2 कहां से लेगा, वातावरण से, वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेगा, फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम सॉइल, ये सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। और ये पत्तियों में क्या पाया जाता है सर, क्लोरोफिल। तो क्या बनेगा हमारा भोजन, ग्लूकोज, और क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। देखा, इसको एनर्जी देने का काम कौन करता है, तो सनलाइट। लेकिन एक तरीका और है, एक जीव और है प्रकृति में जो ऑटोट्रॉप्स है, और वो है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया वो क्या करता है सर, उसके लिए आपको सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, वो वातावरण से CO2 और H2S, देखा आपने, और ये क्या बनाएगा सर, ये ग्लूकोज बनाएगा और सल्फर को रिलीज करेगा। क्योंकि ये बैक्टीरिया सल्फर को रिलीज करता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया सल्फर बैक्टीरिया। और ये केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, देखा आपने, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द मेजर मेथड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट इज फोटोसिंथेसिस। अगर ऑटोट्रॉप्स जो है जितने सारे, उनका प्रोसेस क्या है भोजन बनाने का, उसकी विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है, तो हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और क्या निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, क्या निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टार्च क्या है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो ही है। और किसका यूज किया, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्लोरोफिल तो पत्तियों में पाया ही जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और भाई क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स है, याद रखिएगा, इसी ग्रीन पिगमेंट्स के कारण पत्तियों का रंग, प्लांट्स का रंग हरा दिखाई देता है। अगर आपसे कुसुम बड़े राइजेज क्वेश्चन, व्हाई प्लांट्स आर लुकिंग ग्रीन, तो आप कहोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये क्या है सर, ग्रीन पिगमेंट है, इसी के वजह से पत्तियां जो है हरी दिखाई देती हैं। और ये क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है। और ट्रैप क्यों ट्रैप करता है भाई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है, यहां सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, ट्रैप ऑफ सोलर एनर्जी, और उस एनर्जी का काम होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी को तोड़ने का काम होता है। अरे पता है आपको ये कौन सा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो ऊर्जा देना होगा ना, हीट देना होगा ना, और वो हीट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, हमारा सोलर एनर्जी करता है। अब देखिए ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन आएगा, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया, और अभी हमने बात किया था ब्लू ग्रीन अलगी का।
ऑटोट्रॉप्स आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। और सही मायने में कौन भोजन प्रोवाइड कर रहा है इस पृथ्वी पे? इतनी जो बायोडायवर्सिटी देखते हो वो किसकी वजह से है भाई? वो तो प्लांट की वजह से है ना। और ये सारे जीव या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं? प्लांट। ये सारे प्लांट से जुड़े हुए हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इस पृथ्वी पर सारे प्लांट्स को हटा दिया जाए तो एक भी जीव जिंदा नहीं रहेगा। वजह क्या है? वजह क्या है? आपका भोजन प्रोवाइड करने वाला कौन है भाई? कोई स्रोत तो है नहीं। आपको भोजन तो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स। इसलिए जितने भी सारे जीव हैं वो सारे हेटरोट्रोप्स, दैट दोज आर डिपेंडेंट ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। बच्चों अब आइए क्वेश्चन विंडो के साथ, हम लोग जानने का काम करेंगे। हमने पढ़ा, अब फोटोसिंथेसिस के बारे में और विस्तार से हम लोग एपिसोड 2 में पढ़ने का काम करेंगे, सेकेंड एपिसोड में पढ़ेंगे। अभी हमने केवल एक रफ स्केच दिया कि व्हाट आर न्यूट्रिशन, इट्स टाइप। और फिर जब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन का इन प्लांट तो हम किसकी बात करेंगे? फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन है फंजाई। फंजाई क्या है भाई? अभी हमने बताया ना, फंजाई एक ऐसा ग्रुप है जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पे ग्रो करता है, ठीक है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पे ग्रो करने का काम करता है और वहीं से भोजन प्राप्त करता है। तो क्या बोलोगे इसको? पैरासाइट, ऑटोट्रोप्स, सेप्रोट्रोप्स? नहीं भाई, इंसेक्टिवोरस? नहीं भाई, ये क्या है? सेप्रोट्रोप्स है। अब भाई ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगराइज्ड, ह्यूमन बींग को क्या रखोगे? पैरासाइट, हेटरोट्रोप्स, सेप्रोट्रोप्स या ऑटोट्रोप्स? दीज आर कैटेगराइज्ड टू हेटरोट्रोप्स। ह्यूमन बींग गेट फूड फ्रॉम, अबे मनुष्य को कहां से मिलता है भोजन? प्लांट से ऑफ कोर्स, एनिमल से ऑफ कोर्स। तो हमारा चॉइस क्या होगा भाई? बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन होगा। ए और बी दोनों फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। वाह, न्यूट्रिशन इज एसेंशियल इन प्लांट। अरे भाई अगर प्लांट न्यूट्रिशन नहीं करेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे होगी? प्लांट ग्रो कैसे करेगा? डेवलपमेंट कैसे करेगा? फिर ढेर सारे फूड का प्रिपरेशन कैसे करेगा ताकि हेटरोट्रॉप्स उस पर जिंदा रह सके? डिपेंडेंट है ना उस पर, प्लांट प्रोडक्ट्स पे। तो न्यूट्रिशन एसेंशियल प्लांट्स क्यों है भाई? तो आप जान लो, प्लांट्स के एसिमिलेशन के लिए, टू डू ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एज फूड। अरे भाई इन्हीं सब कार्यों के लिए हम क्या करेंगे? तो न्यूट्रिशन इज एसेंशियल इन प्लांट। पहले हम लोग क्या करेंगे? फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन, दूसरा टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स एज एनर्जी सोर्स। नहीं, अरे इन्हीं सब कारणों से प्लांट क्या करता है? प्लांट को न्यूट्रिशन करने की जरूरत है और प्लांट न्यूट्रिशन करेगा तो वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट तैयार करेगा ताकि सारे जीवों को भोजन प्राप्त हो सके, सारे जीव जिंदा रह सकें। डिफाइन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे हमने कहा ना, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। क्या कहा हमने? एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ
केमिकल कंपाउंड्स फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो न्यूट्रिशन को दो भाग में बांटा ना हमने, न्यूट्रिशन के आधार पर हमने बांटा ना, क्या बांटा भाई हमने, क्या कहा इसको, ऑटोट्रोप्स और हेटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स और हेटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट एंड हेटरोट्रोप्स मीन्स, हेटरोट्रोप्स मीन डिपेंड्स ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप इसके बारे में सोच के रखना, मैं इसके बारे में कुछ आपको इशारा कर चुका हूं इस चैप्टर में कि भाई प्रोसेस क्या होगा न्यूट्रिशन का, कौन से प्रोसेस को अडॉप्ट करेगा, आप जानते हो उसके बारे में। आप ट्राई तो करो, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। सी यू अगेन, थैंक यू।